पेट्रोल आप नहीं मिलेगा ऑनलाइन, उससे कम का लेना होगा तो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए आपको मिल जाएगा। तो अभी इनसे ये यही भाई थे, इनसे आप पूछे भैया आप इनको पेट्रोल चाहिए ऑनलाइन, तो ये बोले कि 500 से कम का नहीं मिलेगा अभी। अच्छा, पेट्रोल पंप पे ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है? एकदम लिया जाता है। तो सर क्यों बोले कि 500 से कम का? ऐसा कुछ नहीं है। मेन दिक्कत है कि कोई भी आपको 15 मिनट रुकने के लिए कहा जाए तो रुक सकते हैं? कोई नहीं रुकेगा। हमारा लॉस है इसमें, हमको लॉस हो रहा है। आप मोदी जी डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल दुनिया होगा कि आपके पेट्रोल पंप पे 15-15 मिनट खड़ा होना होगा अगर पेट्रोल लेने के लिए? तो मुझे तो लगता है कि इस डिजिटल दुनिया से बढ़िया आप तभी। हम लोग छपरा मीरगंज जो हाईवे है उसके बगल में है और यहाँ सामने पेट्रोल पंप दिख रहा होगा, और पेट्रोल पंप पे अभी हम लोग आए थे पेट्रोल लेने के लिए आए। तो हम लोग भैया से बोले कि भैया हमको पेट्रोल चाहिए, तो हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा? तो ये बोले ऑनलाइन पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन आपको 500 से कम का ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। अब जरा ये बता दीजिए कि पेट्रोल पंप पे ये कौन सा सिस्टम है कि 500 से कम का पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल आप नहीं मिलेगा ऑनलाइन, उससे कम का लेना होगा तो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा के लिए आपको मिल जाएगा। तो अभी इनसे ये यही भाई थे, इनसे आप पूछे भैया आप उनको पेट्रोल चाहिए ऑनलाइन, तो ये बोले कि 500 से कम का नहीं मिलेगा अभी। अच्छा भैया क्यों बोले? अरे भाई ऑनलाइन नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। अभी मैनेजर साहब से भी अंदर से पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है, क्यों ये बोले कि वहाँ पे 500 से कम का पेट्रोल नहीं मिलता, उसके लिए समस्या। देखिए समस्या सर, आपके पेट्रोल पंप पे ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है? एकदम लिया जाता है। तो सर क्यों बोले कि 500 से कम का? ऐसा कुछ नहीं है। 500 का जितना भी लेना चाहिए ले सकते हैं, लेकिन नेटवर्क का इशू आता है, इसलिए दिक्कत होता है। नेटवर्क समय से नहीं आता है, आपको रुकना पड़ेगा, 5-10 मिनट लग जाता है। आप बीत लिए तो देखे कि 5 मिनट से ऊपर लगा। अभी हम इनके पास, फिर जब वो भाई बोले कि 500 से कम का आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो हम गए मैनेजर साहब के पास। मैनेजर साहब बोले कि नहीं, आपको पेट्रोल मिल जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ सर्वर का प्रॉब्लम होता है। और हम लोग खुद जब यहाँ पे इनके लिए स्कैनिंग के लिए, इनके पास एक मशीन है, जरा वो मशीन दिखाइएगा। इनके पास कंपनी के द्वारा एक मशीन मिला हुआ है, और उसमें क्या है कि ये लोग पहले पेमेंट डालते हैं, फिर वो क्यूआर कोड जनरेट करता है, ऑटोमेटिक क्यूआर कोड जनरेट करता है। और उसके बाद जब तक ये क्यूआर कोड जनरेट नहीं करेगा, जब तक उसके बाद पेमेंट नहीं होगा, और जब तक ये रिसिप्ट नहीं देगा, आपको तेल किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। और पता है इसमें क्यूआर कोड जनरेट होने में विद इन मुझे लगता है 7 या 8 मिनट लग गया, और पता है रिसिप्ट करते करते तो वो 10 से 12 मिनट चला गया। और ये भैया कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमको बोले कि आपको 500 से कम का पेट्रोल नहीं मिलेगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेन दिक्कत है कि कोई भी आपको 15 मिनट रुकने के लिए कहा जाए तो रुक सकते हैं? कोई नहीं रुकेगा। हमारा लॉस है इसमें, हमको लॉस हो रहा है, कोई कम से कम 10-15 ग्राहक लौट के जाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हाईवे है ये जो छपरा मीरगंज हाईवे है? हाँ। और मीरगंज मतलब कनेक्टिविटी गोपालगंज से पटना की मेन कनेक्टिविटी है। अब जरा सोचिए ना महोदय, हम लोग आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हम लोग चांद पे चलेगा, और अभी भी जो है गोपालगंज पटना का जो हाईवे है मेन कनेक्टिविटी है, और इसमें हाईवे के सामने ये पेट्रोल पंप है, और यहाँ नेटवर्क की इतनी सुविधा कि पेट्रोल पंप पे आपको पेमेंट करने के लिए 15 मिनट लग जाता है। 15 मिनट लगता है, और आप खुद उस समस्या का सामना किए, इसका सामना खुद हम। अच्छा सर, इसके लिए आप लोग कभी कंप्लेन वगैरह कुछ किए? कंप्लेन हम किससे करें, कंपनी में तो कहती है कि हम मशीन दे दें, तो मशीन दी, लेकिन नेटवर्क का समस्या हम किससे कहने जाए? तो हमारे अब BSNL कोई ये कस्टमर केयर उठाता नहीं है, वो जवाब दे करके टाल देता है। एयरटेल है, वही हाल है जियो। BSNL के तो हमारे नेता बेचने पे लगे हैं, सबका नेटवर्क का वही हाल है। नेटवर्क यहाँ आप लगाइए, कोई 4G या 3G करते रह जाएगा। अब जरा सोचिए ना महोदय, हम लोग मतलब चांद पे चलेगा, और अभी भी मेन हाईवे है गोपालगंज पटना को जो कनेक्ट करता है, मेन हाईवे के बगल में ये पेट्रोल पंप है, और कहीं ना कहीं ये सुनसान पड़ा हुआ है ना, उसका मेन कारण वही है कि यहाँ पे सर्वर का प्रॉब्लम है। बाकी पेट्रोल पंप में हमने वहाँ गए थे, पेट्रोल पंप में जो भी सुविधाएं होती है। अच्छा अभी और एक दूसरी चीज और, पेट्रोल पंप में मूलभूत सुविधा होती है कि आपको पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, एयर का जो होता है हवा वाला की जो फिल्टर होता है, फिल्टर पेपर होता है, ये सारी व्यवस्था है, एकदम सब। फिर भी आपका पेट्रोल पंप सुनसान क्यों रहता है? वही मेन है कि आजकल हो गया ऑनलाइन पेमेंट का, ज्यादा हो गया ऑनलाइन पेमेंट, सर्वर का इशू रहता है, हमको कोई आता है ना हिसाब के चल जाता है, 15-20 मिनट कोई वेट करेगा। अब जरा सोचिए ना महोदय, किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हैं कि अभी भी डिजिटल दुनिया, आप मोदी जी डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल दुनिया होगा कि आपके पेट्रोल पंप पे 15-15 मिनट खड़ा होना होगा अगर पेट्रोल लेने के लिए? तो मुझे तो लगता है कि इस डिजिटल दुनिया से बढ़िया ऑफलाइन बढ़िया था, हम लोग उस समय ज्यादा अच्छे थे, ऑफलाइन के समय आपका बिजनेस अच्छा था, इससे बहुत अच्छा था।
तो देखिए इन सब चीजों पर शुरुआत करने की जरूरत। चाचा एक बार करें लोकेशन बता दीजिए। छाप मोड़ गोपालगंज, छाप मोड़ गोपालगंज है। और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप सुनसान होने का जो है सिर्फ एक ही नोजल मैन पेट्रोल पंप को चला है। चार नोजल मैन है, दो शिफ्ट में काम करते हैं। अच्छा, दो शिफ्ट में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सुनसान होने का मेन उद्देश्य है कि मोदी जी डिजिटल दुनिया की बात करते हैं। हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करना ही मतलब उचित समझते हैं। और उस वक्त में यहाँ 15 मिनट हम लोगों को खुशी होती है, सिक्योरिटी भी है कि पैसा हमारे पास रहेगा नहीं, बैंक में सीधे चल जाएगा। 15 मिनट लगेगा डीजल लेने पे, तो समस्या तो है किसी भी कस्टमर को, हमको भी दिक्कत है, कस्टमर को भी दिक्कत है। तो मोदी जी डिजिटल दुनिया की आप बात करें अच्छी बात है, लेकिन जरूरत है इन सब चीजों पे भी आप थोड़ा सुधार कीजिए। और उम्मीद है कि इन सब चीजों पे थोड़ा आप सुधार कीजिएगा। 15 मिनट हम लोग को नहीं रहेगा पेमेंट करने में, तो हम लोग को भी सुविधा होगा, शायद भैया का पेट्रोल पंप भी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों पे जरूरत है थोड़ा सा विचार विमर्श करके और इन सब चीजों को सुधार करने के। बल्कि इन सब चीजों पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो का नसीब पर सीधे जय हिंद।